क्या सवाल पूछे जाते हैं इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें ये वीडियो बेस्ड है ऑन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस जो अपियर हुए थे MTX के कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए तो इस वीडियो में जितनी भी चीजें हैं जो भी प्रोसेस या सिलेक्शन के बारे में बताया गया है दैट इज ऑल बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स हु प्लेसमेंट प्रोसेस सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में तो एमटीएक्स ग्रुप जो है वो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग फर्म दिस फर्म इज पावर्ड बाय द मैवरिक क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू मॉडर्नाइज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्ट्रैटेजी तो जो एमटीएक्स है इसका स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है विथ लोकेशन इन न्यूयॉर्क सिटी बॉस्टन लॉस एंजल्स वॉशिंगटन फ्रिस्को ऑस्टिन सैनजोस जयपुर एंड हैदराबाद अगर इंडिया की बात करें तो ये कंपनी पार्टनर करती है विद सेल्स फोर्स ए डब्ल्यू एंड गूगल एंड इट हैज ऑल्सो स्टैब्लिश ऑपरेशंस इन इंडिया व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर इन बोथ द सिटीज जयपुर एंड हैदराबाद ये एक यूएस बेस्ड क्लाउड टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये जो है इंडिया में यहाँ पर इसका जो वर्क लोकेशन है या जो ऑपरेशन है दैट इज टेकन केयर इन हैदराबाद राउंड्स के बारे में अगर बात करें तो ब्रॉडली स्पीकिंग चार राउंड्स होते हैं जिसमें कि आपका कोडिंग टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें एमसीक्यूज़ होते हैं ग्रुप डिस्कशन टेक्निकल इंटरव्यू प्लस एचआर इंटरव्यू होता है ग्रुप डिस्कशन अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं हो रहा है तो अभी आपके कोडिंग टेस्ट एप्टी टेस्ट और टेक्निकल इंटरव्यू प्लस एच इंटरव्यू हो सकते हैं एमसीक्यूज की अगर बात की जाए तो एमसीक्यूज में आपसे सी सी प्लस प्लस जावा डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो मॉडरेट टू इजी होता है बहुत ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं कोडिंग टेस्ट की अगर बात की जाए तो इस राउंड में कोडिंग क्वेश्चन होते हैं फाइव टू सेवन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इट इंक्लूड्स कोड्स ऑफ सी सी प्लस प्लस पाइथन डीबीएमएस बी यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिया जाता है जहां पर आपको प्रोग्राम का क्या लॉजिक है सिर्फ इतना ही बताना होता है और ये वन आर ड्यूरेशन का ये टेस्ट होता है लेटेस्ट टॉक अबाउट दिलेक्शन प्रोसेस तो एनटेक्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस ट्रेनिंग कंसल्टेंट प्रोफाइल के एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया था उसने कुछ इस तरीके सेलेक्शन के बारे में बताया है ये जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था दैट वॉज इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इसी साल की बात है ये राउंड वन होता है ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर आपसे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि तीन क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिजम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज की बात करें तो एप्टीट्यूड प्रोग्रामिंग एच डी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट जावा और एसक्यूएल पे बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं और टेस्ट ड्यूरेशन जो होता है वो टू आवर्स का होता है टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे कई तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं मेनली जो आपने माइनर मेजर प्रोजेक्ट बनाया है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके स्किल सेट को देखते हुए जो आपका टेक्निकल स्किल सेट है उसको देखते हुए आपके रिज्यूमे में जो भी चीजें आपने मेंशन की है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे एच डीएमएल सी एसक्यूएल के क्वेश्चन आपको आने चाहिए आपका इनका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए फॉर एन एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन जो कैंडिडेट से पूछे गए थे वो ये थे कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास

कुछ और क्वेश्चन है रिलेटेड टू टेक्निकल इंटरव्यू राउंड इन क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं इस चीज से साफ ये बात जाहिर होती है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो आप बहुत ही ईजिली इस कंपनी के प्लेसमेंट राउंड को क्लियर कर सकते हैं राउंड के बारे में जैसा कि मैंने बताया बहुत ही बेसिक होता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए होता है टेल मी समथिंग अबाउट ये बहुत ही एक बेसिक है के के बारे में, के बारे में में कंपनी आपको क्या पता है आपके क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है इसी तरीके के सवाल ज्यादातर एच आर राउंड में पूछे जाते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के टाइम जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो वहां पर जो भी स्टूडेंट ग्रुप डिस्कशन में क्वालिफाई होते हैं वो कोडिंग राउंड के बाद जीडी राउंड में आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को टॉपिक मिलता है 15 मिनट्स उनको अपने टॉपिक के बारे में बात करने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर जितना आपको कोडिंग राउंड में मार्क्स मिलते हैं उसके हिसाब से आपको जीडी और कोडिंग दोनों ही राउंड को मिलाकर टेक्निकल इंटरव्यू में अपियर होने का मौका मिलता है टेक्निकल इंटरव्यू में पैनल ऑफ इंटरव्यूज होते हैं जो आपसे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन सचैसे सी प्लस प्लस जावा डी डीबीएमएस डीएसए एक्सेट्रा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ े हैं वो आपसे लॉजिकल पजल्स कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं फाइनल राउंड होता है एचआर इंटरव्यू एचआर राउंड में आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू योर इस राउंड के लिए आपको अपना रिज्यूम बहुत अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स जो भी आपने इंटर्नशिप की है जो भी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है उसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए साथ ही आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे सच एस टेल मी समथिंग अबाउट योर कई सारे मैंने वीडियोज पोस्ट किए हैं आप उन वीडियोज को चाहें तो चेक कर सकते हैं इसके साथ ही वो आपसे के हॉबीज इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल भी पूछ सकते हैं कंसल्टेंट ट्रेनी इंटरव्यू के लिए एक स्टूडेंट जिसने अप्लाई किया था जयपुर राजस्थान के लिए उनके शब्दों में अगर कहें तो प्रोसेस जो था इसका उसके लिए पूरा एक दिन लग गया था उनका इंटरव्यू एमटीएक्स ग्रुप जयपुर राजस्थान में हुआ था इंटरव्यू उनका 90 मिनट्स का चला था ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे विच वे रिलेटेड टू सी प्रोग्रामिंग एसक्यूएल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एच टीएमएस सी एस एस जावा स्क्रिप्ट एप्टीट्यूड और रीजनिंग के भी कई सारे सवाल थे ऑनलाइन टेस्ट के बाद एक रिटर्न टेस्ट हुआ था जिसमें दो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और नो बेसिक क्वेश्चन थे थर्ड स्टेज जो था वो ग्रुप डिस्कशन का था डिस्कशन के बाद टेक्निकल इंटरव्यू राउंड हुआ था और उसके बाद फिर एचआर राउंड हुआ था एचआर राउंड में जो इंटरव्यू क्वेश्चन थे वो थोड़े से टेक्निकल थे उसमें उनसे पॉलिमोरफिज्म के बारे में पूछा गया था और पूछा गया था कि गिव टू स्ट्रिंग फाइंड इस सेकेंड इज एनाग्राम ऑफ फर्स्ट एक्सप्लेन लीनियर रिग्रेशन तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं ओवरऑल फोर राउंड होते हैं

Uh, you know, selection process, selection round. If I will come through more students, those who have appeared for this profile, I will definitely post a new video. Thank you so much for watching Fresh Learning Academy. Take care. Bye bye.